हाय स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर है फर्स्ट सॉलिड स्टेट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, या फिर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आपका जो सॉलिड होता है वो थ्री टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट है आपका कंडक्टर्स, सेकंड इंसुलेटर और थर्ड सेमीकंडक्टर। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर वो आपका सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर से करंट पास होता है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जो पास होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं वो इंसुलेटर हैं, और जो दोनों के बिटवीन लाई करते हैं वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये तो होगी सिंपल वाली डेफिनेशन, फिर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे। तो बैंड थ्योरी की डेफिनेशन को देखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए। देखो, बैंड थ्योरी जो होती है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बैंड थ्योरी को। बैंड थ्योरी क्या बोलती है, बैंड थ्योरी के अंदर दो टर्म्स फेमस है आपके, फर्स्ट कंडक्शन बैंड सेकेंड वैलेंस बैंड। अब पहले मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया एक सिलिकन आपका है, सिलिकन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 और 3d0। देखो, फर्स्ट सेल में कितने सबसेल होते हैं, 1s, सेकंड सेल में कितने सबसेल होते हैं, 2s और p, और थर्ड सेल में कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं, s, p और d। इलेक्ट्रॉन काउंट, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 14, काउंट कर लेते हैं, 2 टू 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2, यहाँ पे 2 आएगा 14, तो ये हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर S में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, P में भरे हुए हैं, लेकिन D पूरी तरीके से आपका खाली है। तो जहाँ लास्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है लास्ट सेल के अंदर। लास्ट सेल के अंदर जिन सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उनको तो बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो पूरी तरीके से आपका एम्प्टी सबसेल है उसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। जैसे कि अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, सॉरी वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड है। इस वैलेंस बैंड में क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एस और पी के, तो ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका, कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिटवीन जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है, जो लास्ट वैलेंस सेल होता है और जिन सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जो लास्ट सेल या हम बोल सकते हैं एम्प्टी जो सब सेल होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर फॉरबिडन गैप नहीं हो, यानी कि हम बोलें कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के क्या हो, ओवरलैप हो, एक दूसरे के ओवरलैप हो, तो यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में।
तो उसको तो बोलते हैं हम कंडक्टर। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या बोलती है, अगर आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन गैप क्या हो, बिल्कुल भी नहीं हो, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे हम इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि फॉरबिडन गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिटवीन गैप आपका बहुत ज़्यादा हो, यानी कि फॉरबिडन गैप आपका बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते हैं, तो उस सॉलिड्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और जो दोनों के बिटवीन लाई करता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिटवीन गैप क्या है, बहुत कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। तो ये बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना के आपको अच्छे से डेफिनेशन देनी है। और अगर सिंपल डेफिनेशन पूछे आपसे, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं, जो पास नहीं होने देते वो इंसुलेटर, और जो दोनों के बिटवीन लाई करते हैं वो सेमी कंडक्टर। और अकॉर्डिंग टू कंडक्शन बैंड ये आपका हो गया। अभी इसको आपको राइट नहीं करना है, मैं इसको राइट कराऊंगा। पहले मैंने केवल समझाया था आपको कि बैंड थ्योरी क्या बोलती है। बैंड थ्योरी के अंदर आपको ये दो टर्म समझ में आने चाहिए कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, और इनके बिटवीन जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम फॉरबिडन गैप। ठीक है, ये तीन टर्म आपको पता होना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन जब लिखूंगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि वैलेंस बैंड क्या है, फॉरबिडन बैंड क्या है, और कंडक्शन बैंड क्या है। ठीक है, राइट मत करना इसको। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टर से। हमारा कंडक्टर क्या होता है, सबसे फर्स्ट हम कंडक्टर की डेफिनेशन रखते हैं। दोज सॉलिड्स विच कैन अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, इज कॉल्ड कंडक्टर्स। बिल्कुल सिंपल है, जो भी सॉलिड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ये तो हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी इसकी क्या डेफिनेशन है, when the valence band and conduction band, when the valence band and conduction band overlap to each other and easily electrons jump from valence band to conduction band is called कंडक्टर्स। और इसके अंदर आपको डायग्राम बना देना है, ये जो डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ आपके पास, ये आपका एनर्जी हुई, एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, एनर्जी का गैप होता है इसके अंदर, ये आपकी एनर्जी हो गई। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ये आपने बना दिया कंडक्शन बैंड,
और इसी के ऊपर मैं बना देता हूँ, ओवरलैप करते हैं ना वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड हो गया। ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आसानी से जंप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, इजीली जंप जंप इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये डायग्राम हो गया, बना सकते हो आप आसानी से। ठीक है, राइट कर लो इसको। डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं कंडक्टर्स की रेंज के ऊपर। तो जो कंडक्टर्स की रेंज होती है वो आपका 10^4 टू 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये कंडक्टर्स की क्या होती है, रेंज होती है, इसको आपको लर्न करना है। इसके बाद रेंज के बाद अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स के टाइप, कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट है मेटेलिक कंडक्टर, और सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर का दूसरा नाम होता है आयोनिक कंडक्टर। अब बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है। मेटेलिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर या ऐसा सॉलिड होता है जो किससे बना हुआ है, मेटल से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ऐसा सॉलिड होता है जो किससे बना है, आयन से। अब दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, उसका रीजन देखते हैं। तो जो मेटेलिक कंडक्टर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है, इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या कंडक्ट करती है, वो ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है जब मेटेलिक सॉलिड मैंने पढ़ाया था आपको, तो आपका ये जो मेटल होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं कर्नल, और ये होता है आपका सी ऑफ क्लाउड्स। तो ये हमने मेटेलिक सॉलिड के अंदर बात की थी। तो हमें पता है जो मेटेलिक आपका सॉलिड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड के अंदर मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर। क्लियर है सबको। यहाँ पे क्या होता है, किस वजह से करंट फ्लो होता है इसके अंदर, ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, इसमें आयंस होते हैं, उसकी वजह से आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट बात हो गई इसके अंदर कि किस वजह से आपका करंट फ्लो हो रहा है। सेकंड हम बात करते हैं जो आपका मेटेलिक कंडक्टर होता है, इसके अंदर सॉलिड के अंदर और मोल्टन दोनों के अंदर ये आपका गुड कंडक्टर होता है। तो हम बोल सकते हैं गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर इन सॉलिड्स एज वेल एज
इन मोल्टन स्टेट। पहले मैं एक बार राइट कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर दोनों टाइप में, यानी कि सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट होता है मतलब पिघलने के बाद, ठीक है, चाहे आप इस टाइप के सॉलिड को कैसे भी आप पिघलाओ, पिघलने के बाद भी ये गुड कंडक्टर होता है और सॉलिड की फॉर्म में भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कॉपर का वायर है सॉलिड फॉर्म में तो ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप कॉपर के वायर को पिघला दोगे और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे तब भी वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ये बैड कंडक्टर होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये बैड कंडक्टर होता है, जबकि मोल्टन स्टेट में ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों, ये बाद की बात है, पहले समझ लो कि होता है। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर होता है किसमें होता है, मोल्टन स्टेट में। जैसे कि मान लो कोई भी एग्जाम्पल लो इसका, इसका एग्जाम्पल लिया जैसे कि हमने NaCl, NaCl जो सिंपल होता है आप यूज़ करते हो घरों के अंदर, उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे तो ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। बट जब आप इसको पिघलाओगे, अब पिघलाने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसको पानी में डाल दो तो इसके आयंस फ्री हो जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस, या फिर इसको इसकी जो भी सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस तक जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तब जाके मोल्टन स्टेट में चला जाएगा और किस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, तब जाके इसमें क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होता है। अब इसका रीज़न आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे बैड कंडक्टर क्यों होता है और यहाँ पे गुड कंडक्टर क्यों होता है। तो यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ साथ के साथ, ड्यू टू या फिर यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। देखो सॉलिड फॉर्म में होता है तो आयंस फ्री नहीं होते हैं जिस वजह से ये कंडक्ट नहीं करवा पाता इलेक्ट्रिसिटी, बट मोल्टन स्टेट के अंदर इसके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं जिस वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है सबको, तो इस वजह से आपका इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इसमें पास नहीं होती। इसके अंदर देखो दोनों कंडीशन में ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके चाहे सॉलिड फॉर्म में रहे चाहे आपका मोल्टन फॉर्म में रहे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी फ्री होते हैं और मोल्टन स्टेट में भी फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो आपका मेटेलिक कंडक्टर हो जाएगा, और मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी मैंने बताई थी क्यों होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और इसमें ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पे आयंस बंधे हुए हैं, फ्री नहीं है, मोशन नहीं हो रहा है आयंस का, इस वजह से आपका बैड कंडक्टर है, और यहाँ पे फ्री है आराम से मूव कर रहे हैं तो ये गुड कंडक्टर है। तो इसको आप यहाँ तक राइट कर लो, या फिर पहले इसके एग्जांपल लिख लो आप। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं मेटेलिक कंडक्टर के, तो आपको पता है आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरह के जो भी मेटेलिक पदार्थ हैं या मेटल्स सब्सटेंस हैं उनके वो बोलते हैं हम मेटेलिक कंडक्टर्स। इसके एग्जांपल्स देख लो आप, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके NaCl हो गया, है ना, NaCl की तरह और क्या बन सकता है, KCl हो गया या KBr हो गया, इस तरह के सॉलिड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब राइट कर लो इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टर्स के ऊपर, ये हमें देखना है। तो हमने देखा था हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो टू टाइप के थे, फर्स्ट था आपका मेटेलिक और सेकंड था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आप उसी के नीचे राइट कर देना इस पॉइंट को बीच के अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ये मेटेलिक के अंदर राइट करना है आपको और ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर राइट करना है।
तो जब भी हम मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। अब क्यों होता है, तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन कर्नल्स एंड दे अपोज टू इलेक्ट्रॉन्स देन दे अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्यों होता है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब इसको समझाते हैं, जब आपने क्या किया, मेटेलिक कंडक्टर लिया या मेटेलिक सॉलिड लिया, उसके ऊपर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया और आपने देखा कि उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई अगर वो मेटेलिक कंडक्टर है तो। अब रीजन क्या है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। अब कर्नल्स क्या होते हैं, आपको बताया था मैंने, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर कर्नल होता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। अब मान लो कर्नल आपका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर आपने जैसे ही बढ़ाया कर्नल वाइब्रेशन करेगा अप एंड डाउन वाइब्रेशन, ऐसे तो ऐसे करेगा तो सी ऑफ क्लाउड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन था उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा या अपोज करेगा उस मोशन को, इलेक्ट्रॉनों के जो मोशन हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा उसके अंदर। तो रेजिस्ट करने से उनका फ्लो, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से अब जैसे कि आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका कम होने लग जाएगा तो मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी किसके वजह से हो रही है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कम होने लग जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है सबको ये, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इसका रीजन क्या है, मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन ऑफ आयंस बढ़ जाएगा इसके अंदर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फटाफट से आयन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी टूटने लग जाएंगे या भागने लग जाएंगे इधर उधर, जिस वजह से इनके अंदर क्या हो जाएगा, अब आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है किसके ऊपर, कंडक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर्स पार्ट कंप्लीट होता है, राइट कर लो इसको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे पास इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के अंदर सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने दे उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दोज सॉलिड्स विच कैन नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है, ओके। ये तो हो गई सिंपल वाली। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी या बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग
बैंड थ्योरी क्या बताती है, इसकी डेफिनेशन वो देखनी है। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, when the forbidden gap very high between valence band and कंडक्शन बैंड, इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज क्या होती है इसकी, तो इसकी रेंज होती है 10 टू द पावर माइनस 20 से लेके 10 टू द पावर माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है जी, ये हो गई इसकी रेंज। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, हमें निपटना है। ठीक है, इसके बाद हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। इंसुलेटर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, पूरा का पूरा ढीट है। तो इस पर आप टेम्परेचर चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं इसमें नो चेंज ऑफ टेम्परेचर या नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, स्पेलिंग देख लेना कोई गलत हो तो राइट कर लो इसको। ये हमारा इंसुलेटर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो बेटा इंसुलेटर के एग्जांपल्स भी आप राइट कर लेना, एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसके हैं, इंसुलेटर के। तो आप ये भी राइट कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे हमारे पास सेमीकंडक्टर। अब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ से तो हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं क्या है। तो दो सॉलिड्स विच कैन लाई, दोज सॉलिड्स विच कंडक्टिविटी या देयर कंडक्टिविटी, विच सॉलिड्स देयर कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी इन सेमीकंडक्टर्स टर्स फॉरविडन गैप इज वेरी लॉन्ग
100 इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आपका मूव नहीं करेंगे इसके अंदर किसके अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर फ्रॉम वैलेंस बैंड इसके लिए इनको कुछ एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं फॉरबिडन गैप इज वेरी लो सो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय प्रोवाइड फ्यू एनर्जी तो वो क्या हो जाएंगे आपके सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे इसके बाद हम बात करते हैं इसके रेंज की इसकी जो रेंज होती है वो आपका 10^-6 टू 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है ये रेंज की बात हो गई अब इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर या डायरेक्ट लिख लो आप देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है फर्स्ट है आपका फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर तो यहाँ पे इम्प्योर या प्योर सेमीकंडक्टर कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं वो यहाँ पे बात करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स अगर है तो उसको बोलते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर एग्जांपल इसके जो फेमस एग्जांपल है वो है सिलिकॉन जर्मेनियम एक्सेट्रा ये दो एग्जांपल सबसे सिंपल है सबसे सिंपल क्या है सबसे फेमस एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम इसी तरीके से इम्प्योर सेमीकंडक्टर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इसके एग्जांपल अभी बनाना सिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं ठीक है अब यहाँ पे ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स ये क्या है तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जैसे कि आपके पास मैं एक बार समझा देता हूँ इसको राइट नहीं करना है केवल ठीक है ये 13 ग्रुप है ये 14 ग्रुप है और ये 15 ग्रुप है केवल ये 3 ग्रुप्स ले रहा हूँ मैं आपके पास 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ठीक है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थेलियम
14 ग्रुप में कौन से आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और 15 ग्रुप में कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब देखो, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इस ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप बोलोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इसके अंदर कितने? इसके अंदर है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके पास 5 होल्स रहेंगे। कितने होल्स रहेंगे इसके पास? 5 होल्स। कैसे भाई? टोटल जगह कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। क्लियर है भाई? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉनों की जगह, तो जितने इलेक्ट्रॉन की जगह होती है उतने होल्स होते हैं उसके अंदर। तो 13 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के चला गया तो अपनी जगह छोड़ के जाएगा, तो उसी को बोलते हैं होल। तो यहाँ पे 5 होल। अब यहाँ पे बताओ कितने होल होंगे? 4 होल्स। यहाँ पे बताओ कितने होल होंगे? 3 होल्स। तो अब यहाँ से देख के बताओ किसके पास होल्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल है? तो आप बोलोगे सिलिकॉन के पास, जर्मेनियम के पास, टिन के पास, कार्बन के पास, इनके पास क्या है? 4 होल्स और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी सॉलिड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहेंगे उनको बोलते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर। यानी कि इन टाइप के, इस टाइप के जो एलिमेंट्स रहेंगे, अगर इनसे हम एक सॉलिड बनाएंगे और जो वो सॉलिड होगा वो किस टाइप का काम करेगा? सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हो जाए तो उस कंडीशन में जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा? इम्प्योर टाइप का बनेगा। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार इसको वापस से समझ लो। होल्स और आपका इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? जितने नंबर पे ये होगा, जैसे 13 पे है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 14 पे है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 15 पे है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 8 में से माइनस कर देना होल्स आ जाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो, अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? जैसे कि आपका ये प्योर सेमीकंडक्टर आपने बनाया, अगर मैं इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दूँ, मतलब कोई फॉरेन एटम ला के यहाँ पे रख दूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी हो जाएगी, मतलब कुछ डिफेक्ट आ जाएगा हमारे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। और वही प्योर सेमीकंडक्टर अगर इम्प्योर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा और उसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो सेमीकंडक्टर होता है एक्सट्राइंसिक वाला, ये अगेन आपका टू टाइप का होता है। तो ये आपका टू टाइप का होता है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं देयर आर टू टाइप्स। कौन सा? इम्प्योर वाला। इम्प्योर वाला टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और सेकेंड आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो एन फोर क्या होता है? नेगेटिव सेमीकंडक्टर। और पी फोर क्या होता है? पॉजिटिव। तो याद करना भी आसान है, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर को कैसे बनाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। मान लो आपने एक सॉलिड लिया,
या पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि जैसे मान लो कि नेगेटिव सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर कंडक्टिविटी क्यों होगी पहले तो वो बात कर लेते हैं। तो ये होता है आपका ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेगेटिवली चार्ज्ड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती है इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर, एन टाइप वाले में। पी टाइप में क्या होता है? ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन है इसके अंदर? होल्स है। तो यहाँ पे होल्स की वजह से आपका कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर। तो ये तो हो गए आपके एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। अब बात करते हैं इनको बनाते कैसे हैं। तो मैं इसको बनाना आपको सिखा देता हूँ। इसी के नीचे आपको राइट करना है। सबसे फर्स्ट इधर आपका हो जाएगा एन टाइप वाला और ये हो जाएगा पी टाइप का। इसी के नीचे आपको राइट करना है इसका डायग्राम। ये एन टाइप का है और ये पी टाइप का है। तो एन टाइप के जैसे मान लो मैंने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का प्योर कंडक्टर लिया। ऐसे इसमें ले लिया, मान लो मैंने प्योर सेमीकंडक्टर लिया आपका सिलिकॉन। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर ये प्योर क्यों है, ये प्योर सेमीकंडक्टर क्यों है? तो आप बोलोगे कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 32, तो इलेक्ट्रॉन हो गए और 32 आपके होल हो गए। देखो एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 होल होते हैं। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 24 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और 24 ही क्या है इसके पास, होल है। तो ये प्योर हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 और नंबर ऑफ होल्स 24। ठीक है। अब मान लो मैं इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ, मतलब मुझे एन टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपको पता है N4 क्या होता है, नेगेटिव। अब मतलब नेगेटिव करना है आपको इसको, इस सेमीकंडक्टर को नेगेटिव करना है, मतलब इनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए आपके पास। होल्स कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये कैसा होता है, नेगेटिव। तो होल्स आपके या तो कम, होल्स कम हो या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सिलिकॉन को रिमूव कर दिया और इसकी जगह कोई इम्प्योरिटी ऐड करूँगा। इम्प्योरिटी का मतलब होता है कोई फॉरेन एटम इसकी जगह ला के रख दूँगा। अब फॉरेन एटम ला के रखूँगा तो मुझे पता है यहाँ पे, इधर मैं साइड में राइट कर देता हूँ, ये आपके पास 13 ग्रुप था, ये आपके पास 14 ग्रुप था और ये आपके पास 15 ग्रुप था। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन और 5 होल्स। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 होल्स और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और 3 होल्स। ठीक है। अभी यहाँ पे अपन प्योर पे, अब मान लो आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए तो आप 13 ग्रुप से एलिमेंट लोगे या 15 ग्रुप से लोगे? ऑब्वियसली बात है 15 ग्रुप से लोगे, क्योंकि 15 ग्रुप के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो आप 14 एलिमेंट से जब 15 की तरफ जाते हो तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है आपका, एन टाइप का। और जब 14 से आप किस तरफ जाते हो, 13 की तरफ, तो किस टाइप का बनेगा, पी टाइप का। मतलब यहाँ पे होल्स जाता है, पॉजिटिव जाता है। तो मान लो मेरे को कोई भी एक एटम लेना है, जैसे मैंने इसका ले लिया फास्फोरस, तो यहाँ पे अगर मैंने फास्फोरस को ऐड कर दिया तो अब इसके अंदर ये सेमीकंडक्टर इम्प्योर हो गया है। और इम्प्योर के अंदर भी कौन सा, एन टाइप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। अब आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 कितना हो जाएगा, 20 तो हो गए यहाँ पे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन,
और 5 हो गए इसके, यानी कि टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। होल्स कितने, तो आपका हो जाएगा 20 होल्स तो हो गए सिलिकॉन के, और 3 होल्स हो गए इसके, यानी 23 होल्स। तो अभी इसके अंदर अगर हम बात करें इस एग्जांपल के अंदर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 25 और नंबर ऑफ होल्स है 23, तो ओवरऑल नेट चार्ज कैसा है यहाँ पे, ओवरऑल नेट चार्ज है आपका नेगेटिव, और नेगेटिवली चार्ज अगर है तो वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से मान लो अगर आपको पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बनाना है, तो यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, मतलब फॉरेन एटम ऐड करना है, तो मान लो मैंने इसमें एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 20, तो इसके हो गए, और 20 और 3 कितने हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। होल्स देखो 20 तो सिलिकॉन के हो गए, और 5 ये हो गए, तो 25 होल्स हो जाएंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे ओवरऑल नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे ओवरऑल नेट चार्ज है आपका पॉजिटिव 2, यानी पॉजिटिवली चार्ज है ये, तो पॉजिटिवली चार्ज जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सिंपल है। किसी को अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हुआ, सेमीकंडक्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब एक इसमें लास्ट टॉपिक बचा आपका, इसको आप राइट कर लो। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स देन इंक्रीज कंडक्टिविटी, मतलब सेमीकंडक्टर्स पे टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, देखो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होगी या फिर वो होल्स की वजह से होती है, दो ही कारण होते हैं आपके, या तो होल या फिर इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में था, है ना, किसी ना किसी मोशन पे था, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन के लग गई आग, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले जितनी स्पीड से चल रहा था वो उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा, मतलब जैसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, ये इलेक्ट्रॉन से मैं इलेक्ट्रॉन की जगह बता रहा हूँ, ये मान लो यहाँ पे है, जैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो अपना होल छोड़ेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा अपना होल छोड़, तो होल्स भी बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से ये आपका इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, ये दो वजह है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ तक ओवरऑल सारे क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं, यहाँ से नोट लगा लो आप, नोट लगाने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं सेमीकंडक्टर्स की, वो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, नंबर फर्स्ट है आपका डोपिंग। कोई आपसे पूछे डोपिंग क्या होती है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी लेता है कभी डायरेक्ट एग्जाम में कि डोपिंग क्या होती है। अब ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो डोपिंग क्या होती है, जैसे कि मान लो कि आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने बाहर से एक फॉरेन एटम ला के रख दिया, मतलब इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं डोपिंग। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच
फॉरेन एटम एडिंग, द प्रोसेस इन विच फॉरेन एटम एडिंग इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। इज कॉल्ड डोपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। और जो एटम है फॉरेन उसको बोलते हैं डोपेंट, और एटम को क्या बोलते हैं? डोपेंट। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो डोपिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पहले इसको आप राइट कर लो, फिर बताते हैं। ठीक, नोट के अंदर ही आपका पॉइंट नंबर सेकेंड है, 12-16 कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये आपका सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है कि 12-16 कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो नाम से पता चल रहा है, ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 कंपाउंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, 12-16 कंपाउंड्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल भी दीजिए, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वेल ग्रुप 12 से आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो। जैसे मान लो मैंने ले लिया जिंक, ये मेटेलिक ग्रुप है आपका, मेटल वाले ग्रुप में 12 जिंक है, और मैंने एक 16 का कंपाउंड ले लिया सल्फर। तो इन दोनों से जो ये आपका सेमीकंडक्टर बन रहा है, जिंक सल्फाइड, ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया। तो कौन सा कंपाउंड है? 12-16 कंपाउंड है। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर क्यों है, तो देख सकते हो आप, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने एलिमेंट है? 2। अगर इनका एवरेज निकालें तो कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब उसके पास 4 होल्स भी हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो गया आपका? सेमीकंडक्टर हो गया। क्लियर है? अब इसमें इम्प्योरिटीज ऐड वगैरह अपन कर सकते हैं। तो मतलब जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है 13-15 कंपाउंड क्या होते हैं, 13-15 कंपाउंड। तो 13-15 कंपाउंड होते हैं आपके ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 के कंपाउंड्स। एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल देख लो, जैसे ग्रुप 13 का ले लिया हमने एल्यूमिनियम, ग्रुप 15 का ले लिया फास्फोरस, तो एएलपी आपका जो ये सेमीकंडक्टर बनेगा। क्यों बनेगा? देखो एवरेज निकालो, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं? 2, तो 8/2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं सेमीकंडक्टर। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपसे पूछ सकता है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। ये मैंने फेमस आपको दो बता दिए कि 12-16 कंपाउंड क्या होते हैं, 13-15 कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर एक लास्ट तरीका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लो आपके पास सिलिकॉन है और आपने इसमें ऐड इम्प्योरिटी मान लो आपने इसमें ऐड किया इम्प्योरिटी आर्सेनिक ऐड किया आपने, ठीक है, या सिंपल सा देख लो फॉस्फोरस ऐड किया, सिलिकॉन में आपने ऐड की इम्प्योरिटी फॉस्फोरस, तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? विच टाइप सेमीकंडक्टर, इसका नाम बताना है आपको, किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किए हैं। देखो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 होल होते हैं, तो अभी प्योर हैं, प्योर से इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं या होल्स बढ़ा रहे हैं? तो हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं मतलब नेगेटिव मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपका जो कंडक्टर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है सबको? राइट कर लो इसको। और हाँ, जाते जाते क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देके जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जैसे ही आपको हो जाए कमेंट कर देना इस क्वेश्चन पे।
से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया ये टॉपिक। मान लो हमारे पास ये जर्मेनियम है, ठीक है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये जर्मेनियम है और मुझे मैंने इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी जर्मेनियम के अंदर, आपका गैलियम मिला दिया इसके अंदर। क्या मिला दिया? गैलियम। तो बताओ ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर राइट करना है, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।